एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंग लगी मक्खियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। माओ के किस नीति को बदल दिया चाइना ने, जिसके बाद टेंशन में है दुनिया। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पर टूटा चौथा बम, और इतनी बुरी तरीके से कि अब पाकिस्तान खड़ा ना हो पाए। जनरल असीम मुनीर ने इमरान खान को सीधे सीधे सामने से दे दी धमकी, क्या इमरान खान का बुरा हाल होने वाला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन में जब से जिनपिंग के आने के बाद चीजें बहुत तेजी से बदली। माओ के आने के समय भी बदली थी, लेकिन माओ से कई गुना ज्यादा रफ्तार से चीन में जिनपिंग ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया और बहुत सारी चीजों को बदल दिया। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी सेना की मौजूदगी है, ये चीन बहुत अच्छे से जानता है, और अमेरिकी सेना के पास छोटे छोटे परमाणु हथियार भी हैं जो हमला कर सकते हैं। चीन धीरे धीरे परमाणु हमला देने के लिए नई नई मिसाइल साइलो बना रहा है, बम बरसक विमान बना रहा है, पनडुब्बियों का बेड़ा भी विकसित कर रहा है, ताकि चीन के पास दुनिया में कहीं भी कभी भी हमला करने की ताकत आ जाए। चीनी रणनीतिकारों का मानना है कि अमेरिका के पास जो पारंपरिक हथियार है ना, वो चीन के परमाणु ताकतों के लिए खतरा है। चाइना तुरंत अपनी सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को बढ़ा रहा है, जैसे अंतरिक्ष की क्षमताओं को बढ़ा रहा है, साइबर हथियार, इलेक्ट्रॉनिक वॉर, इन सब पर चाइना बहुत तेजी से भरोसा कर रहा है, ताकि परमाणु हमला अगर हो तो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सके। 2021 यहां पता चला है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के विस्तार के तौर पर 3 साइलो क्षेत्र का निर्माण कर रहा है। अब साइलो होते क्या है, तो ये जो देख रहे हैं आप इस तरीके की आकृति, ये कंटेनर होते हैं जिसके अंदर से मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। नवंबर 2021 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने यह अनुमान लगाया कि चीन के पास करीब 2030 तक 1000 परमाणु हथियार होंगे, यानी कि चीन अपने परमाणु हथियारों को 5 गुना रफ्तार से बढ़ा रहा है। माओ के समय से ये बात कही गई थी कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन 2022 में ये देखने को मिला है कि चीन ने नो फर्स्ट यूज की रणनीति को छोड़ दिया है, मतलब चाइना इसका इस्तेमाल पहले भी कर सकता है, इस बात को चाइना ने साफ कर दिया है। वैसे आपको बता दें, हाल ही में जापान ने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ताइवान के पास एक द्वीप पे लगाया, ये हमने आपको बताया था, जिसके बाद बौखलाए चाइना ने अपने जहाज भेज दिए जापान के पास। ये छोटी छोटी कार्रवाई है, उकसाने वाली कार्रवाई है, लेकिन हाँ, एक बार यहाँ पर अगर शुरुआत हो गई तो फिर ये विश्व युद्ध का रूप लेगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। खैर, जहाँ एक तरफ चाइना ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बात करें कंगाल पाकिस्तान की। आखिर क्या हुआ, छूट गया इमरान खान। छूटने के बाद क्या हुआ, क्या कहानी खत्म हो गई? कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी शुरू हुई है। पाकिस्तानी सेना इतनी आसानी से शिकार नहीं छोड़ती है, खास तौर पर जब उसके अपने ही देश के राजनीतिक नेता की बात होती है। तो इतिहास गवाह है, एक के बाद एक सब ऊपर गए हैं जिसने सेना से पंगा लिया है। सब नजरे बिठाए बैठे थे कि आखिर असीम मुनीर इस मामले में क्या कहता है। अभी तक जनरल असीम मुनीर एकदम चुपचाप बैठा हुआ था, सारी चीजों को देख रहा था, ये भी देख रहा था कि कैसे कोर कमांडर के घर पर हमला होता है, कैसे पाकिस्तान के सैन्य बेस पर हमला होता है, रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय पर हमला होता है, लाहौर में पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर के घर लूट कर आग लगा दी जाती है, जिन्ना हाउस में भी कुछ वैसा ही होता है। जनरल मुनीर ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन अभी तक उसने स्टेटमेंट नहीं दी थी। आपको बता दें, इमरान खान ने छूटते ही सबसे पहले स्टेटमेंट दी। इमरान खान ने क्या कहा, इमरान खान का कहना था, मुझे जिस तरीके से पकड़ा गया ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूँ। मैंने उनसे कहा कि मुझे वारंट दिखाएं, मैं साथ जाऊंगा, लेकिन आर्मी ने क्या किया, रेंजर्स आर्मी का हिस्सा होते थे, हम शांत बैठे थे और वो खिड़कियां तोड़ रहे थे। इमरान खान ने पूछा, गिरफ्तार करना क्या फौज का काम है, पुलिस को आना चाहिए था,
लेकिन फौज आई, उन्होंने हमारे लोगों को डंडे मारे, मुझे भी डंडे मारे। मैंने अपने देश को हर फोरम पर बचाया है। क्या मैं जब प्रधानमंत्री था तब सेना की इमेज अच्छी नहीं थी? लोग तब सेना को पसंद करते थे, लेकिन जब सेना प्रमुख ने मुझे धोखा देकर पाकिस्तान के सबसे बड़े अपराधियों को सत्ता दे दी तो उनकी आलोचना करने लगे। खैर, इमरान खान ये कह रहा है तो शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि इमरान खान भूल जाता है उसे कब लंगड़ाना है और कब नहीं लंगड़ाना है। असल हुआ ये था कि इस हाई कोर्ट में जाने से पहले इमरान खान अक्सर लंगड़ाते हुए दिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पांव में गोली लगी थी, लेकिन जब ये अफरा तफरी हो रही थी ना, उसके बाद इमरान खान अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा दिख रहा था। तब से ये कहा जाने लगा कि इमरान खान भी नाटक कर रहा है। मामला यहाँ रुका नहीं है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाएगी पाकिस्तान की सरकार, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के गृह मंत्री ने सबसे बड़ा बयान दिया है। राणा सनाउल्ला ने कहा है कि 3 दिनों तक पार्टी के समर्थकों ने जिस तरीके से पूरे देश में माने इमरान खान की पार्टी को बैन करने के लिए बात चल रही है। अब लगेगा अच्छा ये तो आई गई बात हो जाएगी, जी नहीं, जनरल असीम मुनीर ने अब सीधे सीधे धमकी दे दी है। जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। दरअसल पेशावर के कोर मुख्यालय में पहुंचा हुआ था पाकिस्तानी सेना का प्रमुख जनरल असीम मुनीर। इसने कहा कि जिस तरीके से लोगों ने सैन्य ठिकानों पर हमला बोला है, उकसाने वाले काम किए हैं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ना हाउस को लूट कर आग लगा दी गई है, ये सब हम बर्दाश्त करेंगे नहीं और हम एक्शन लेंगे। 9 मई को बताया है कि एक काला अध्याय था, 72 घंटे के अंदर हम दंगाइयों को गिरफ्तार करेंगे। जहां एक तरफ जनरल असीम मुनीर ये कह रहा है तो वहीं असली वाला बम फोड़ा है IMF ने। IMF ने जो बम फोड़ा है ना, उसके आगे तो पाकिस्तान टिकेगा ही नहीं। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, ऐसी वाली स्थिति पैदा कर दी है IMF ने। IMF ने पाकिस्तान 6.5 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज का इंतजार कर रहा था, और IMF ने पाकिस्तान से कहा है पहले 8 अरब डॉलर का इंतजाम करके लाओ, तभी हम आपको पैकेज देंगे, वरना हम पैकेज नहीं देंगे। और वक्त कितना दिया है पाकिस्तान को? दिसंबर 2023 तक का वक्त दिया है। इतने में 8 अरब डॉलर जमा हो जाना चाहिए, तभी हम तुम्हारी सरकार को 6 अरब डॉलर तक का लोन देंगे। वैसे ये हो गया कि हम तुम्हें अब कुछ भी नहीं देंगे। वैसे आपको क्या लगता है, IMF ने जो किया वो सही है या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।